मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इसके ऊपर इक्तफा करूंगा कि ये शानदार अस्पताल आपने बनाया है, ये सदका जारिया है। आपने किसी से, किसी हुकूमत से पैसा नहीं लिया, आपने कोई कितना ज़मीन नहीं ली, ये बहुत बड़ी आपकी एफर्ट है। शहजाद सलीम साहब और मियां मंशा साहब बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और पाकिस्तान में इनको एक मायनास, एक हमारा एक सनतकार के तौर पर जाना जाता है, और हमारे दिल में इनके लिए बड़ा एहतराम है। अल्लाह ने इनको बेपनाह वसाइल दिए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में इनका बड़ा इनका रोल है। शहजाद सलीम इनके भांजे हैं और पूरी तरह इनके आपस में रफाकत है, एंड दे मूव टुगेदर विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। मेरी मियां मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे चार अस्पताल पाकिस्तान के चारों सूबों में बनाएं, और इट शुड बी और लोग जहां पर इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत करेंगे कि इन्होंने अपने जो ख़जाने जो ने और बड़े एक हलाल तरीके से कमाया, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो ख़जाने के मुंह खोलेंगे और कुछ चंद अरब से के साथ चार सूबों में ऐसे अस्पताल बना देंगे, तो मियां मंशा साहब और उनकी बेगम साहब यहाँ बैठी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो आपको पाकिस्तान के 22 करोड़ हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा के लिए। बस 4-5-6 अरब निकाल दें चुप करके तो ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और मियां साहब के लिए एक बिल्कुल ड्रॉप फ्रॉम द ओशन है, और ये बिल्कुल मेरे भाई हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इन्होंने बड़ा नेक नाम कमाया पाकिस्तान में, बड़ी खिदमत की पाकिस्तान में इनकी, तो बस ये अगर 4-6 अरब निकाल देंगे तो इनके बैंक को तो पता भी नहीं चलना कि 4-6 अरब निकले हैं इनके, तो डेट विल बी द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मियां मंशा, एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई होप इंशाल्लाह ही विल डू दिस ग्रेट नोबल जॉब, और करोड़ों लोगों की दुआएं लेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने खुशगवन रखे और आपको हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान की और खिदमत करें। पाकिस्तान, कायदे आज़म। थैंक यू वेरी मच।